हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राजेश, आपके चैनल राजेश हेल्थ एंड फिटनेस से। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नींबू पानी पीने से क्या सचमुच वेट लॉस होता है। किसी को यदि वेट लॉस करना होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला चीज जो आता है वह मैं सुबह खाली पेट उठ के नींबू पानी पीऊंगा। चलिए आज बात करते हैं इसका पूरा साइंस क्या है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप अभी निकल जाओ, बिकॉज अधूरा इन्फॉर्मेशन से आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अक्सर लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, यदि आप सब्सक्राइब करते मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं चाहूँगी कि आपके लिए और अच्छे से वीडियोज़ ला सकें। नोटिफिकेशन बेल का जरूर हिट कर दें, उससे आपको मेरे फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन टू फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। सो सबसे पहला है आपका डाइट एंड दूसरा है बॉडी मेटाबॉलिज्म। चलिए सबसे पहले डाइट के बारे में बात करते हैं। सपोज आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, देन आपको वेट लॉस होगा। फ्रेंड्स, जब आप कुछ खाना खाते हो, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, देन उसका मतलब कि आप अपना बॉडी के अंदर कैलोरीज ले रहे हैं, कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। एंड जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। देन सपोज फ्रेंड्स, आपका मेंटेनेंस करियर 2000, सभी के मेंटेनेंस करियर डिफरेंट होता है। मैं जस्ट एग्जांपल पकड़ रहा हूँ कि आपके मेंटेनेंस करियर 2000 है एंड आप 2500 कैलोरीज थ्रू फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब क्या 500 कैलोरीज आप ज़्यादा ले रहे हैं मेंटेनेंस है, देन आपको वेट गेन होगा। एंड आप 2000 से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, देन आपका वेट लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको कुछ ऐसा फूड्स कंज्यूम करना है जिससे आपका जो कैलोरीज इंटेक मेंटेनेंस कैलोरी से कम हो। यदि मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका वेट गेन होगा। तो आपको लो कार्ब फूड्स पे कंसंट्रेट करना है, ज़्यादा यदि हाई कार्ब फूड्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको वेट लॉस तो हो नहीं पाएगा, मतलब वेट गेन हो जाएगा। तो आपको लो कार्ब फूड्स पे कंसंट्रेट करना है। एंड डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। डाइट को सबसे पहले टिक करिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो फैक्टर आता है आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म, दूसरा आपका मीडियम मेटाबॉलिज्म एंड तीसरा आपका स्लो मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग फास्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। जो लोग पतले दुबले होते हैं वो लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मेरा वेट गेन नहीं होता है। कारण क्या है? बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। एंड जो दूसरा टाइप आता है स्लो मेटाबॉलिज्म, जो लोग मोटे होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम रहता है, वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता है, जिससे कि उनका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। यस फ्रेंड्स, नींबू पानी पीने से आपका वेट लॉस होगा, बिकॉज नींबू पानी जब आप पीते हो आपको उस टाइम मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आप कैलोरीज बर्न करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अकेले नींबू पानी पीने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उसके साथ अपना डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। नींबू पानी जैसे एक बूस्टअप है, एक एडिशनल है, थोड़ा चिंगारी जलाता है, बिकॉज नींबू पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट लेंगे, उतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाता कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लगेंगे, वैसा नहीं होता है। आपका उसके साथ अपना डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट नहीं ले रहे हैं, देन आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप कुछ भी जंक फूड्स खा रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खाने का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खाली नींबू पानी पी रहे, कुछ नहीं होने वाला। सो सबसे पहले आपको डाइट में फोकस करना, फिर आपको वर्कआउट पे, फिर आपको रेस्ट में, तब जाके आपका नींबू पानी काम में आएगा। सिर्फ नींबू पानी पीने से कुछ भी नहीं होने वाला। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब करते मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, प्लीज बाय, टेक केयर।